Another important topic which needs to be discussed is legal protection for minors. Legal protection for minors need to be seen uh, in different scenarios. Therapists, parents, and others who have specific concerns about confidentiality may wish to talk to an attorney knowledgeable about the laws in their state. So this is very important that concerned stakeholders. Hain, wo ye कि उनके जो माइनर्स हैं उनको क्या लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकती है इन जनरल द राइट टू प्राइवेसी इन द ट्रीटमेंट इज कनेक्टेड टू द राइट टू द क्लाइंट टू कंसेंट फॉर द ट्रीटमेंट जैसे ही एक माइनर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट करता है तो उसका प्राइवेसी का जो एक पॉइंट है वो उसी वक्त सामने आ जाता है कि ना अब आपने थेरेपी के लिए कंसेंट किया है तो फिर आपको प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना जो है वो एक लीगल बाइंडिंग बन जाएगी बिकॉज अ चाइल्ड कैन नॉट लीगली कंसेंट टू द द ट्रीटमेंट पेरेंट ऑफन एज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द चाइल्ड एक छोटा बच्चा जो खुद अपने लिए लीगल कंसेंट नहीं दे सकता कि मुझे कोई साइकोथेरेपी दी जाए वहां पर पेरेंट्स जो हैं वो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो उसके लिए लीगली अलाउ करते हैं कि इस बच्चे को एक साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सकता है मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ लीगल राइट

जोडिशन पेरेंट कि वो अपने बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उसको कौन सी मेडिसन्स जो है वो दी जा रही हैं या उसको कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है दिस में इंक्लूड अ चाइल्ड डायग्नोसिस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट प्लान ये तीन चीजें उस मेडिकल रिकॉर्ड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं और ये तीनों हम पेरेंट्स को देने के लिए बाइंड होते हैं हाउ एवर हैव द राइट टू व्यू ट्रीटमेंट नोट अकॉर्ड कोर्ट ऑर्डर्स अदरवाइज नाउ देर इज अ वन थिंग आपने एक शीट uh, जो है उसके ऊपर सिम्टम्स लिखी हैं, आपने उसके ऊपर डायग्नोसिस लिखा आपने उसके ऊपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा है

लाइक uh, like आप जब उनको साइको एजुकेट कर रहे होते हैं तब भी आप ले रहे होते हैं जब आप साइको डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तब भी ले रहे होते हैं अगर हम उनके ऊपर uh, कोई फ्रॉइडियन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा नोट्स लिए जाते हैं और वो उनकी डिटेल जो है वो इन्वर्ट और कोवर्ट हर तरह के बिहेवियर के बारे में uh, जो है वो आपने नोट्स लिए होते हैं इसी तरह जब हम कोई बिहेवियर uh, थेरेपी दे रहे होते हैं वहाँ पे भी नोट्स लिए जाते हैं कि इनकी फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी और आउटकम्स जो थे वो बिहेवियर्स के हमें क्या देखने को मिले तो वो सारे नोट्स जो हैं वो एक पर्सनल स्पेस होती है जिसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट जो है एक साइकोथेरेपिस्ट जो है वो अपने नोट्स बना रहा होता है कि इसको तो उसने इसकी बेसिस पे उसने एक डायग्नोसिस को रीच करना होता है दीज नोट्स आर फॉर पर्सनल यूज रादर देन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उनको हमेशा पर्सनल ही समझा जाता है बट देर आर द फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द डाटा शेयरिंग कंडीशन फॉर द पेशेंट्स कभी-कभार इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल्स प्रोवाइडिंग, इंक्लूडिंग थेरेपिस्ट टू टू टेक रीजनेबल स्टेप्स प्रोटेक्ट क्लाइंट प्राइवेसी, प्राइवेसी और वो उन, उन नोट्स को रूल के थ्रू नहीं देते, मगर कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन भी अराइज uh, 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 like, पेरेंट्स वो मांग रहे और कोर्ट कहता है कि आप इन्हें प्रोवाइड करें तो वहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी राइज हो जाती है दैट इन सारे नोट्स और इन चीजों को सिक्योर रखने का एक वाहि मकसद ये होता है कि बच्चे की प्राइवेसी जो है उसको सिक्योर रखा जाए और उसकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज के पास नहीं जाए डिपेंडिंग ऑन द केस द स्टेट एंड द कोर्ट दैट लॉ Yeah, the lawyer may get to determine whether and when parents can view information about mental health treatment. Now, ki jo mental health treatment, what is the details of parent success at times this decision is need to be done by the lawyer or by the court because they may not be able to access each and every information about whatever the psychotherapist is going to deal with the child because it is going to hamper the privacy of a child to the parent and which is not ethically allowed.